हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की हम इस क्लास में बात करते हैं भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में। तो देखेंगे कि आखिर अभी ये चर्चा में क्यों है और भारत और इजराइल संबंधों की पृष्ठभूमि क्या रही है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। नो कांटेक्ट पॉलिसी क्या है इसे भी देख लेंगे, ये भी अक्सर आपकी चर्चा में बनी रहती है। भारत और इजराइल के मध्य सहयोग के आखिर क्षेत्र क्या क्या हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, रक्षा हो गया, तो इसमें जो भी आपके क्षेत्र होंगे उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। मुक्त व्यापार को लेकर, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर इजराइल का क्या रुख है उसे भी देख लेंगे। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का क्या रुख है उसे भी देखेंगे, यानी कि भारत क्या सोचता है। डी हाइफनेशन कूटनीति क्या है उसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इजराइल की स्थिति मैप में कि आखिर इजराइल है कहाँ। तो देखिए, ये आपका प्यारा एशिया, ये है एशिया, ये हमारा प्यारा भारत। कहाँ है ये हमारा प्यारा भारत? देखिए, इसमें आपका श्रीलंका, ये बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर ये आपका चीन हो गया, ये पाकिस्तान, और पीओके वाले हिस्से से आपका अफगानिस्तान लगता है। ठीक है, सीमा ये आपका बंगाल की खाड़ी होगी, ये अरब सागर, और ये आपका हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ आपकी अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ये ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, यमन, और यहाँ पहुँचते हम लोग जॉर्डन, ये है आपका इजराइल। कहाँ है इजराइल? ये है आपका भूमध्य सागर के पास, ठीक है, लगा हुआ है। तो देखिए, भारत से ये है आपका, यहाँ आपका भारत हो गया और ये आपका इजराइल। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का प्रसार पूरी दुनिया में अपने चरम पर है, प्रतिदिन होने वाली कई बिलियन डॉलर का व्यापार रोक गया है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ना, तो देश के भीतर कोई व्यापार चल रहा है और ना ही देश के बाहर। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि किसी देश से ना तो हम लोग ले रहे हैं और ना ही दे रहे हैं, लेकिन ये बंद अर्थव्यवस्था से भी आगे निकल गया, क्योंकि भारत में ही आपका जो भी प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, उसे भी रोक दिया गया। ठीक है, अरब लोगों को उनके घरों तक सीमित कर दिया गया। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी गतिशील दुनिया में ठहराव ले आया है। हालांकि कोरोना वायरस भारत और इजराइल के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की गति को धीमा नहीं कर सकता है। वास्तव में दोनों राष्ट्रों ने न केवल इस महामारी को हराने के लिए सहयोग व समन्वय किया है, बल्कि जरूरत के समय एक दूसरे के निकट भी आए हुए हैं। सहयोग व समन्वय का ताजा उदाहरण जून 2019 में भारत के रुख में देखा जा सकता है, जब भारत ने अपने रुख में परिवर्तन करते हुए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के एक प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। इजरायली प्रस्ताव में फिलिस्तीन के एक गैर सरकारी संगठन शहीद को सलाहकार का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। इजराइल का मानना था कि संगठन के ने हमास के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया, परिणाम स्वरूप संगठन को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव निरस्त हो गया। बात करते हैं हम लोग भारत इजराइल संबंधों की पृष्ठभूमि। 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को औपचारिक राजनयिक मान्यता प्रदान की। इसके तुरंत बाद बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई, में एक आव्रजन कार्यालय स्थापित किया गया, जिसे बाद में एक वाणिज्यिक दूतावास में बदल दिया गया। वर्ष 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ
दूतावास खोले गए। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में आश्चर्यजनक प्रगति देखी गई। वर्ष 2017 में भारत व इजराइल के बीच संबंधों की स्थापना के 25 वर्ष होने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत की यात्रा पर आए। बात करते हैं क्या है नो कॉन्टेक्ट पॉलिसी। विदित है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में फिजिकल डिस्टेंसिंग एक कारगर उपाय सिद्ध हुआ है। भारत में अभिवादन की प्रक्रिया यानी कि नमस्ते फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें अभिवादन के दौरान किसी भी प्रकार का शारीरिक स्पर्श नहीं किया जाता है। इजराइल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नो कॉन्टेक्ट पॉलिसी के द्वारा अभिवादन की प्रक्रिया यानी कि नमस्ते को अपनाया है, जो भारत और इजराइल के मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। बात करते हैं भारत और इजराइल के मध्य सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से। स्वास्थ्य क्षेत्र, COVID-19 महामारी प्रसार को रोकने के लिए भारत द्वारा इजराइल को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। भारत सरकार ने इजरायली दवा उद्योग के लिए मेडिकल टीम भेजने और कच्चे माल के लिए N95 फेस मास्क और अन्य चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र, मार्च 2020 में भारत ने इजरायल के साथ 880 करोड़ रुपए का एक रक्षा सौदा किया। इस रक्षा सौदे में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 16,479 लाइट मशीन गन खरीदने का ऑर्डर किया दिया गया। भारत ने इजराइल की रक्षा कंपनियों को मेक इन इंडिया के संयुक्त उत्पादन के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में इजराइल के लिए निवेश के अच्छे अवसर हैं। इजराइल यदि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश करता है तो इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत होगी, जो इजराइल से हथियारों की आयात पर खर्च होता है। विदित हो कि रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश होने से घरेलू विनिर्माण को लाभ होगा। नौकरशाही के माध्यम से संचालित राज्य के स्वामित्व वाली आयुध कारखानों पर निर्भरता कम होगी और नई तकनीक भी प्राप्त होगी। भारत ने इजरायली कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में भारत की उदार प्रत्यक्ष विदेशी नीति निवेश नीति का लाभ उठाने के लिए संयुक्त उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया है। बात करते हैं कृषि में सहयोग। भारत में कृषि मंत्री की पिछले वर्ष हुई इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया था। दोनों देशों के बीच कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक बढ़ाने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर बागवानी क्षेत्र में 2015 से एक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों सब्जियों की खेती के लिए 21 राज्यों में 27 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश की स्थापना का काम पूरा हो चुका है। इजराइल में पानी की कमी के कारण सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन पद्धति का उपयोग होता है। बागवानी खेती बागान प्रबंधन नर्सरी प्रबंधन सूक्ष्म सिंचाई और सिंचाई पश्चात प्रबंधन क्षेत्र में इजरायली प्रौद्योगिकी से भारत को काफी लाभ मिला। इसका हरियाणा और महाराष्ट्र में काफी उपयोग किया गया। बात करते हैं जल संसाधन प्रबंधन। इजराइल की तुलना में भारत में जल की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन वहां का जल प्रबंधन हमसे कहीं बेहतर है। पानी की कमी उपलब्धता के चलते इजराइल ने अवजल प्रसंस्करण और खारे पानी को मीठा बनाने की पद्धति में दक्षता प्राप्त कर ली है।
इसराइल ने भारत में खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कई संयंत्र स्थापित किए हैं। इसराइल में कृषि, उद्योग, सिंचाई आदि कार्यों में पुनर्चक्रित पानी का उपयोग अधिक होता है, इसलिए वहां के लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। भारत जैसे विकासशील देशों में 80% आबादी की पानी की जरूरत भूजल से पूरी होती है, और यह भी सच है कि उपयोग में लाया जा रहा भूजल भी दूषित होता है। इसके अलावा आपसी सहमति के क्षेत्रों के साथ साथ अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, अलवणीकरण, जल संरक्षण के तरीकों व जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभवों और विशेषज्ञताओं को साझा करने की जरूरत भी बताई गई थी। कुछ समय पूर्व दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन करने पर भी सहमति बनी थी। बात करते हैं सहयोग के अन्य क्षेत्र। इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में दोनों देशों के नागरिक फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए दोनों देशों की वायुसेना ने एक समझौता किया। इजराइल नवाचार के मामले में अग्रणी है और तकनीक के मामले में वैश्विक ताकत है, जबकि भारत रचनात्मक प्रतिभाओं, विशेषकर वैज्ञानिकों आदि के मामले में धनी है। भारत और इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा, सीमा पर निगरानी तंत्र में भी सहयोग की संभावना है। भारत बुनियादी ढांचा विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भी इजरायली विशेषज्ञता की मदद ले सकता है। इजराइल को स्टार्टअप हब के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत की नई आईटी कंपनियों के आगे बढ़ने और बाजार में बने में सहायता कर सकता है। बात करते हैं मुक्त व्यापार समझौते को लेकर इजराइल का क्या रुख है। भारत के मध्यम वर्ग को इजराइल अपना निर्यात बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता है। इजराइल के लिए भारत एक बड़ा निर्यात बाजार है। इजराइल का मानना है कि भारत के साथ मजबूत होते संबंध रक्षा उत्पादों के निर्यात से आगे बढ़कर वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार में वृद्धि की दिशा में बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था इजराइल निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य बनती जा रही है। भारत के 1.3 अरब उपभोक्ताओं में लगभग 30 करोड़ नागरिक मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग में है। इनकी खरीद क्षमता पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के समान है और ये इजराइल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में बाधाओं के बने रहने से लंबे समय से इसको लेकर संशय बना हुआ है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के मुद्दे पर बातचीत 7 साल पहले शुरू हुई थी, जब इसका पहला दौर मई 2010 में हुआ था। लंबे समय से लटके पड़े इस समझौते के बारे में इजराइल का यह मानना है कि भारत इस बारे में फिर से मूल्यांकन कर रहा है। जब तक यही नहीं होता है, तब तक दोनों देशों के बीच उनकी आर्थिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए अन्य प्रयास किए जा रहे हैं। बात करते हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का रुख कैसा है, जस का तस है। बहुत से लोगों को यह आशंका थी कि भारत और इजराइल के बिगाड़ होते संबंधों से भारत फिलिस्तीन संबंध प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हाल ही में जब अमेरिका ने यरूशलम को इजराइल की राजधानी स्वीकार करने का विवादास्पद प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा, तो भारत सहित 128 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि केवल 9 देशों ने ही इसके पक्ष में वोट दिया और 35 देश अनुपस्थित रहे इसमें। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि यरूशलम के दर्जे को लेकर बातचीत होनी चाहिए। बदलाव पर अफसोस जताते हुए अमेरिका के फैसले को अमान्य घोषित किया गया। कई दशकों से भारत और फिलिस्तीन संबंध मजबूत रहे और संभवतः यही कारण रहा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत में इजराइल के खिलाफ
वोट दिया। बात करते हैं हम लोग डी हाइप हाइपनेशन कूटनीति। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए, परंतु इस यात्रा के दौरान वह फिलिस्तीन नहीं गए। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत की पूर्व में अपनाई गई नीति से विपरीत है। इससे पहले भारत राजनेता एक साथ दोनों पश्चिमी एशियाई देशों का दौरा करते रहे। भारत द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अपनाई गई इस नीति को कूटनीतिक एक्सपर्ट डी हाइफनेशन नाम देते हैं। डी हाइफनेशन की नीति अमेरिका द्वारा भारत व पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की आपसी तल्खी को नज़रअंदाज करते हुए दोनों देशों के साथ रिश्तों को अलग अलग तरजीह देना के संदर्भ में अपनाई गई नीति से प्रभावित है। निष्कर्ष तक क्या कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है, यह आपका आंसर राइटिंग में रहता है। लास्ट में आप निष्कर्ष बैलेंस बनाकर लिखना चाहिए, ठीक है, कि आपका निचोड़ आखिर इसका क्या है। इजराइल ने भारत में कृषि, सिंचाई और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया है और भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। भारत और इजराइल के संबंध अगर रक्षा क्षेत्रों में से इतर तेजी से आगे बढ़ाने हैं तो इसके लिए दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिए, जिसके जरिए भारत की कई कंपनियां इजराइल की साझेदारी में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने की कोशिश कर सकती है। इजराइल ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की मांग की थी, जिसे भारत ने काफी हद तक पूरा करने का प्रयास किया। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं, लेकिन दोनों देशों को द्विपक्षीय संभावनाओं और कारोबार और निवेश का दोहन करने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। तो ये थी आपकी पूरी कहानी भारत और इजराइल के संबंधों की।